आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और सभी का फेवरेट स्ट्रीट फूड वेज चाउमीन। वेज चाउमीन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम आसानी से आप वेज चाउमीन नूडल घर पर ही बना सकते हैं। एक एक नूडल बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल भी वो चिपके हुए नहीं होंगे, ऐसे हम बनाने वाले हैं। तो सारे जो भी मैंने स्टेप बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेज चाउमीन बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, करीब करीब 1.5 लीटर है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, साथ ही साथ 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे जिससे नूडल आपस में चिपकेंगे नहीं। यहाँ मैंने 200 ग्राम नूडल लिए हैं, आप कोई भी नॉर्मल नूडल लीजिए, हक्का नूडल या फिर वेज नूडल कोई भी ले लीजिए, वो डाल दिए हैं मैंने। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, 85 to 90% हम नूडल पकाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो लगभग 3 मिनट हो गई हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से टूट रहे हैं, यानी कि बनकर तैयार है। अब हम इन्हें छान लेंगे और छानने के तुरंत बाद हम इन पर पानी डाल देंगे। आप चाहें तो इन पर नॉर्मल पानी डाल सकते हैं या ठंडा पानी डाल सकते हैं, जिससे नूडल्स की जो कुकिंग है वो रुक जाएगी। और 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे जिससे ये आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच में तेल डाल रही हूँ। अब 1 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, इसे भून लेते हैं थोड़ा। साथ ही साथ 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। अब एक मैंने प्याज लिया है जिसके स्लाइस कट कर लिए हैं, प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं, तो इन्हें अच्छे से भून लेंगे हम। ये भून लिए हैं, अब हम इसमें सब्जियां डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ हरी वाली शिमला मिर्च, पीली वाली, लाल वाली शिमला मिर्च, थोड़ी सी मैंने गाजर ली हैं और थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है और स्प्रिंग अनियन लिए हैं। तो आप अपनी पसंद की जो भी आपके पास सब्जी हो वो आप ले लीजिए। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। सब्जियों को पूरी तरह बिल्कुल नहीं पकाना है, हल्का सा क्रिस्प, हल्का सा क्रंच उनमें रखना है ताकि नूडल्स बिल्कुल अच्छे लगें। तो इन्हें हम पका लेंगे करीब करीब 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर। तो 2 मिनट हो गई है इन्हें पकाते हुए, हल्की सी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ध्यान से नमक डालेंगे क्योंकि हमने जब नूडल पकाए उसमें भी नमक डाल लिया था। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। तो इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब 2 चम्मच मैंने यहाँ सफ़ेद सिरका लिया है जिससे हल्का सा खट्टापन आ जाएगा, तो वो डाल लेते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ डार्क सोया सॉस लिया है, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ टोमेटो केचप लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें उबले हुए नूडल्स डाल देंगे। देखिए एक एक नूडल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी वो चिपके हुए नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम नूडल्स को छान रहे हैं तो उनके ऊपर तुरंत हम ठंडा पानी डाल देंगे या नॉर्मल पानी, जिससे नूडल्स की जो कुकिंग है वो रुक जाएगी। चम्मच तेल डालने से वो चिपकेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छे से करेंगे मिक्स इन्हें। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। गार्निश ये हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल देंगे इस पर, अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। और नूडल ऐसे सब्जियों में मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे, जिससे बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से पक जाएंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। देखिए एक एक नूडल एकदम अलग अलग है, तो इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे।
तो ये लीजिए, वेज चाउमीन बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। थोड़े से स्प्रिंग आनियन से गार्निश कर देंगे और आप भी एकदम आसानी से घर पर ही वेज चाउमीन बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना पाएंगे आप भी। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।